सभी परिवार वाले साथ हैं, सभी दोस्त हैं, सभी रिलेटिव्स सब इकट्ठा हुए हैं, तो इस बात की काफ़ी खुशी है कि मैं बेटी की शादी में रहूं और ये पेरोल में वो घर आए तो बहुत अच्छा लग रहा है। कायदे से तो अभी पापा को बाहर होना चाहिए। 14 इयर्स की जो उनकी निर्दोष होने के बावजूद जो 14 साल की अवधि है वो उन्होंने पूरी की थी। शुभकामना है, नहीं तो अकेले हमारे बस की बात नहीं थी बच्चों को संभालना, इन्होंने अपने आप को संभाले और सब अपने अपने उसमें हासिल किए। रीज़न सिंपल है, हमेशा से बचपन से इस बात की क्लैरिटी थी कि मम्मी पापा की मर्जी से ही शादी करनी है। देखिए आज हम लोग का ध्यान सिर्फ और सिर्फ है शादी में, शादी अच्छा से हो जाए, पिता घर में है, दादी घर में है, सब लोग परिजन घर में है, इस खुशी को हम लोग एक एक मिनट एक एक क्षण को एंजॉय करते हैं। आप देख रहे हैं परिवार के सभी लोग हैं, सब लोग आए हैं वरवधु को आशीर्वाद देने के लिए कि जो है जुगल जोड़ी इसकी खुशी सलामत रहे, बने रहे, दाम्पत्य जीवन बढ़िया हो, और यही आशीर्वाद दे रहे हैं कि बच्ची को कि अब एक नई जिंदगी शादी के बाद शुरुआत होती है। पूर्व सांसद आनंद मोहन की बेटी सुरभि आनंद की आज मेहंदी है और साथ ही संगीत कार्यक्रम हो रहा है। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं कि सुरभि आनंद को मेहंदी लगाई जा रही है, बगल में उनके भाई चेतन आनंद बैठे हुए हैं और हमारे साथ लवली जी हैं, लवली आनंद, आनंद मोहन जी की पत्नी। मैम आज मेहंदी का कार्यक्रम है, संगीत का कार्यक्रम है, कल शादी होनी है, कितनी खुशी है? आप देख रहे हैं परिवार के सभी लोग हैं, सब लोग आए हैं वरवधु को आशीर्वाद देने के लिए कि जो है जुगल जोड़ी इसकी खुशी सलामत रहे, बने रहे, दाम्पत्य जीवन बढ़िया हो, और यही आशीर्वाद दे रहे हैं कि बच्ची को कि अब एक नई जिंदगी शादी के बाद शुरुआत होती है, तो बढ़िया से मतलब नैहर और ससुराल के बीच की सेतु होती है बेटी, और सबको कभी ना कभी शादी होती है, जाना होता है। इस शुभ मौके पर आनंद मोहन जी को भी पैरोल मिली है और वो भी आप लोगों के बीच हैं, ये कितना बड़ा हाँ ये तो है ही, एक पिता का भी अरमान होता है कि मैं बेटी की शादी में रहूं और ये पैरोल में वो घर आए तो बहुत अच्छा लग रहा है, और सभी लोग आए हैं परिजन, सभी अपने शुभचिंतक सब लोग आए हैं, सब लोग को आपके माध्यम से धन्यवाद देते हैं और सब लोग एकदम आशीर्वाद लेकर के आए हैं, शुभकामना लेके आए हैं कि वरवधु के जो जीवन है अच्छी शुरुआत हो, खुशी बरकरार रहे जीवन में। एक जो टीनेज होती है जिसमें बच्चे जब बड़े हो रहे थे, पिता का होना बहुत ज़रूरी होता है उस समय, लेकिन बीते 15 सालों में आप ही पिता रहीं इनकी, क्योंकि आनंद मोहन जी नहीं थे यहाँ पर, वो कितना चैलेंजिंग था, और आज जब आप अपनी बेटी को उनके ससुराल जाते हुए देख रही हैं तो कितना खुशी हो रही है? हाँ ये तो होता ही है कि फादर के रहने से बच्चे को उसमें होता है, लेकिन ऊपर वाले को भी शुक्रगुजार करते हैं कि बच्चे को जो है उस स्थिति में अपने को खुद को संभाल के आगे बढ़ना, और आज एडवोकेट हैं सुरभि आनंद, एक संघर्ष से निकल करके पढ़ाई पल बढ़ के आगे बढ़ी, दूसरा बेटा आप देखें कि एजुकेशन समाप्त करके MLA बने, तीसरा MA करके लंदन से आके, मतलब ये हुआ, हमें लगता है ऊपर वाले की कभी ना कहीं कृपा है, लोगों की शुभकामना है, नहीं तो अकेले हमारे बस की बात नहीं थी बच्चों को संभालना, इन्होंने अपने आप को संभाले और सब अपने अपने उसमें हासिल किए। आनंद मोहन जी की रिहाई को लेकर आप लगातार बीते सालों में आपने कैंपेन भी चलाया, अब खुद मुख्यमंत्री भी मंच से जब उनके सामने प्रोटेस्ट हुआ, कई लोगों ने आवाज़ उठाई, 26 जनवरी को उनके बाहर आने की चर्चा चल रही थी, हालांकि वैसा नहीं हुआ, आपको क्या उम्मीद है? देखिए आज हम लोग का ध्यान सिर्फ और सिर्फ है शादी में, शादी अच्छा से हो जाए, पिता घर में है, दादी घर में है, सब लोग परिजन घर में है, इस खुशी को हम लोग एक एक मिनट एक एक क्षण को एंजॉय करते हैं, और आप लोग को भी निमंत्रण दें, आप लोग भी शुभकामना करिए। तो देखिए ये सुरभि आनंद जिनकी अभी फिलहाल मेहंदी का कार्यक्रम हो रहा है, उन्हें मेहंदी लगाई जा रही है। सुरभि जी मेहंदी और संगीत का आपका कार्यक्रम है, शादी को लेकर कितनी खुश हैं आप? काफ़ी खुश हैं। आपके पिताजी भी मौजूद हैं, क्योंकि सभी परिवार वाले साथ हैं, सभी दोस्त हैं, सभी रिलेटिव्स सब इकट्ठा हुए हैं, तो इस बात की काफ़ी खुशी है। अच्छा मैं नीचे था तो एक सवाल पूछा गया आनंद मोहन जी से कि आज के दौर में लोग लव मैरिज ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट आपने अरेंज मैरिज किया, इसके पीछे का क्या रीज़न था? रीज़न सिंपल है, हमेशा से बचपन से इस बात की क्लैरिटी थी
कि मम्मी पापा की मर्जी से ही शादी करनी है और मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि वो जो एक हैप्पीनेस जो पेरेंट्स को मिलती है कि बच्चे उनके हिसाब से शादी करें, तो वो मैं उनको देना चाहती थी। मैं खुश हूँ इस बात से। पिता जब बाहर आए अभी जेल से, क्या चीज़ आपकी पहली बात क्या हुई उनसे? जब पापा बाहर आए थे, बात तो नहीं आई थी, हम लोग सब काफ़ी इमोशनल थे, तो उस टाइम पे एग्जैक्टली क्या बात हुई ये याद नहीं है, बस सब खुश थे तो गले मिल रहे थे बस। क्या आपको लगता है कि अब उन्हें बाहर आ जाना चाहिए परमानेंटली? डेफिनेटली, एक तो सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट भी सेट हुआ है और इसीलिए कायदे से तो अभी पापा को बाहर होना चाहिए। 14 इयर्स की जो उनकी निर्दोष होने के बावजूद जो 14 साल की अवधि है वो उन्होंने पूरी की थी, तो अब उन्हें बाहर आ जाना चाहिए। सुरभि आनंद जो अपनी शादी को लेकर काफ़ी खुश हैं और साथ में ये भी कह रही हैं कि अब उनके पिता को बाहर आ जाना चाहिए जेल से, पूरे परिवार में खुशी की लहर है, बेटी की शादी है और इस मौके पर जो उनके पिता हैं, घर के जो मुखिया हैं आनंद मोहन, वो बाहर आए हुए हैं 15 दिनों की पैरोल पर। इससे पहले वो अपनी बेटी की सगाई के मौके पर पैरोल पर बाहर आए थे और 15 फरवरी को बेटी सुरभि आनंद की शादी है और उसके बाद पैरोल खत्म करने के बाद आनंद मोहन एक बार फिर जेल में वापस जाएंगे। उत्कर्ष कुमार सिंह, पटना।